सर बहुत ईमानदारी से सर हम तो बहुत आनंदित हो गए। अब तुम ये फोटो खींचना बंद कर दो। फोटो खींचने से बड़ी टेंशन है, दिमाग में रहती है। तुम तो अखबार वालों को दे दोगे, मानोगे नहीं कैसे ही, अखबार वाले छाप देंगे, सम्मान बढ़ जाएगा, हमारा मान बढ़ जाएगा। लेकिन कष्ट होगा फिर तब जब अखबार को पढ़ने के बाद लोग रद्दी के भाव बेच देंगे। कष्ट सर यहाँ समाप्त नहीं होगा, रद्दी को हलवा ही ले जाएगा, अखबार के टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर उस पर रखे जलेबी समोसे बेच देगा। फिर आप तो जलेबी समोसे आराम से खा लोगे, अखबार के टुकड़े को सड़क पर फेंक दोगे, फिर कुत्ता है सत्यानाश हमारा हो जाए और आपको फिर मजा आ जाएगा। टेंशन टेंशन क्या दे सर, टेंशन तो बहुत आसान काम है। सबसे आसान काम दुनिया में अगर कोई है तो टेंशन देना, कुछ नहीं करना पड़ता। घर से सवेरे सवेरे निकलो, सामने से आते हुए किसी व्यक्ति से हाथ जोड़ो, नमस्ते करो और निकल लो, बस हो गया दिन भर का टेंशन। अगले आदमी को पूरे दिन सोचेगा कौन थे, नमस्ते करे, पहचान नहीं पाए, चश्मा लग गया। शाम को घर वाली से भी डिस्कस करेगा, यार पता नहीं तेरे मायने की होते, इतना टेंशन सर। और टेंशन सर बहुत आसान काम है, केवल एक रुपए में अखिल भाई साहब, केवल एक रुपए में पूरे मोहल्ले को टेंशन दिया जा सकता है। ये माता बहने बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं इस काम को। एक रुपए का गेरू खरीद लो, शाम को गला दो, जब मोहल्ले के सब लोग सो जाए तो सबके दरवाजे पर एक एक छापा लगा दो। मैं गारंटी देता हूं सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन। टेंशन सबसे आसान काम है। और वो नोटबंदी का बीच बीच में जिक्र हो गया, मैं सर नोटबंदी में से सर एक ठाका अब तक पहुंचाता हूं भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपने कुर्सियों पर बहुत नाइट किए, बैठे ही नहीं हो तब से, और आप बैठना भी मत, बेचारी एक कुर्सी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब आपसे वो पता नहीं, मुझे आनंद आ गया, वो नोटबंदी की आप बात कर गए। नोटबंदी से लोगों को क्या फायदा हुआ मुझे नहीं पता, और क्या फायदा हो जाएगा ये भी नहीं पता, नुकसान क्या था मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने कहा कि मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, इसका देश को क्या लाभ मिला, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, उनके काहे का फायदा मिला, पूरे देश को अच्छा खासा देश था जिसको गब्बर सिंह बना के रख दिया। अरे भाई गब्बर सिंह कैसे बना दिया? अरे हाँ, जब नोट बंद हो गए थे, जब भी कोई आता हुआ दिखाई देता ऐसा लगता कि बैंक से आ रहा है, कितने आदमी थे, पूरा देश गब्बर सिंह बन गया। कितने तारीख को नोट बंद हुए थे सर? हाँ मैं तो आके सामान गारंटी परीक्षा ले रहा था। हाँ, ये परिवर्तन का दिन था। नोट बंद 8 तारीख को हुए थे। मैं सर ये घटना आपको सुनाता हूँ, भैया ये बांटना बंद कर दो थोड़ी देर। अच्छा ये भी चलते ना, सब लोग खाते पीते अच्छे लगेंगे क्योंकि। हाँ सर, 8 तारीख को नोट बंद हो गए सर। अखिल सर आप मेरी तरफ देखो, मैं इसमें एक आनंद की झलक आपको देना चाहता हूँ। 8 तारीख को नोट बंद हुए थे, मुझे 8 तारीख को रुड़की में कवि सम्मेलन पढ़ना था, 7 तारीख को घर से निकलना था। मैंने अपनी घरवाली से कहा कि कुछ किराए के लिए पैसे दे दे, वो मेरे गंजे सर की कसम खा गई। आपके सर की कसम, मेरे पास जहर खाने तक के पैसे नहीं। मैंने भी सर विश्वास कर लिया, पड़ोसी से पैसे उधार लेके मैं रुड़की पहुंच गया। कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ, 8 बजे ही घोषणा हो गई माननीय मोदी जी की, मैत्राम हरियाणा। रात को 12 बजे से 1500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये सुनते ही भैंस गई पानी में। पेमेंट कैसे होगा? लोग अपने नोटों को बदलने के चक्कर में लग गए, श्रोता नहीं आए सर, बड़ी परेशानी, कैसे पेमेंट होगा, चेक मिलेगा, पुराने नोट मिलेंगे, जैसे तैसे कवि सम्मेलन निपटाया। 9 तारीख को मैं घर पे लौटा। अब यहां से ठाकों की यात्रा प्रारंभ होती है। पंडित जी बैठ जाओ आप, बैठ के सर। ठीक, हाँ सर, यहां से प्रारंभ होती है। पंडित जी आपको देख करके मुझे भी वो याद आ गई, ये अलवर में तो आपके यहाँ अंग्रेज बहुत आते रहते हैं। इधर तो हो गया, आते रहते ना, इधर हो गया। पिछले दिनों एक अंग्रेज आ गया अलवर में ही। अच्छा, अंग्रेज जब अपने देश से चला था तो उसको ये बता दिया था कि तू भाई हिंदुस्तान जा रहा है, अलवर के आसपास जा रहा है, तो 2-3 जातियों से सावधान रहना, जातवाद का देश है हिंदुस्तान।
और विशेषकर अलवर, किन किन से सावधान रहना, बल तो तू जाटों से सावधान रहना, दूसरे यादवों से सावधान रहना और तीसरे ब्राह्मणों से सावधान, पंडितों से सावधान रहना। ये गलत बात। अब सर आनंद सुनो आप, अब वो अंग्रेज तो जाने नहीं कौन जाट होते हैं, कौन यादव होते हैं, कौन ब्राह्मण होते हैं, बोले पहचानूंगा कैसे? बोले कि वो तो अगर कोई तिलक लगाई मिल जाए तो समझ लीजिए पंडित जी हैं। तो जैसे ही उतरा अलवर स्टेशन पर, तिलक लगाई, पंडित जी शायद ये पीला दुपट्टा डाले, आसानी से पहचाने जा सकते। बोल के सर मैं घूमना चाहता हूँ, मैं कैसे पहचानूंगा कौन जाट है कौन यादव है? बोले कि मैं सब पहचानवा दूंगा, चल मेरे साथ। अब पंडित जी उसको ले गए, ढाके की यात्रा प्रारंभ करता हूँ, पंडित जी ले गए उसको अपने साथ। एक चौधरी साहब अपने घर पे बैठे चौपाल पे होक्का पी रहे, तत्तरा के और मूछे ताव। पंडित जी ने कह दिया कि इनको देख करके मूछ बताओ दे, और अंग्रेज मूछ बताओ दे, और मूछ बताओ देने का मतलब ईसान है। चौधरी साहब ने सोचा कि गांव हमारा, गांव के सरपंच हम, हमारे ही सामने बिना मूछ को आदमी और मूछ बताओ दे पटका उसको, दे लाते हैं, दे लाते हैं, दे भूसे अधबरा कर दिया अंग्रेज को। उसने बड़े घिघियाते हुए पूछा, पंडित जी ये कौन थे, कौन से, इनको जाट कहते, इनके सामने कोई मूछ बताओ नहीं दे सकता, समझ में आ गया तेरी में? मुझे समझ में आ गया, यादवों को कैसे पहचानूंगा? कि चल दूसरे गांव में लगे कि यादव जी घर से निकले दूध बूट डकार मारते हुए। पंडित जी ने कह दिया कि इनको देख करके ताल ठोक। अब वो यादव जी को देखे ताल ठोक। यादव जी ने सोचा कि गांव हमारा, दूध पिए हम और ताल ठोके ये, दे पटका उसको, दे लाते हैं, दे घूसे इतना मारा, अजमरा कर दिया। उसने फिर घिघियाते हुए पूछा कि ये कौन थे? कि बस इन्हीं को यादव कहते हैं, इनके सामने कोई ताल नहीं ठोक सकता, समझ में आ गया? मुझे समझ में आ गया। अब पंडित जी मुझे ये और बता दो, चलते चलते जाटों को पहचान लिया, यादवों को पहचान लिया, ब्राह्मणों को कैसे पहचानूंगा? पंडित जी बोले उल्लू के पट्टे, तुझे तब से और कौन पट्टे मार रहा था? तो सर आपको चलता हुआ देखकर मेरी हालत खराब हो गई, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए? सर वो आनंद लेना, अब 9 तारीख को मैं घर पे आया सर, यहाँ से ठाकुर की यात्रा 8 तारीख को नोट बंद हो गए, और जैसे तैसे कम समय ने निपटा, मैं 9 तारीख को घर आया तो घरवाली यहाँ तक का मुंह लटकाई बैठी। मैंने उसे पूछा, मैंने कि मेरे जाने के बाद किसी पड़ोसी ने तुझसे कुछ कहा? बोल की नहीं तो, मेरी बीमार हो गई है। बोल की नहीं तो, फिर मेरी मुंह लटकाई कहीं को बैठी है, पानी वानी लेके आ। मैं उदास क्यों है? बोले आपको पता नहीं चला? अरे मेरी काय का, मोदी जी ने नोट बंद कर दिए। अरे मेरी मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, तेरे ऊपर क्या प्रभाव है? तेरे पास जहर खाने तक का तो पैसा नहीं था। ये तमाम माताएं बहनें बैठी, मैं अगर सच्चाई का जिक्र करूं तो आप अपनी सहमति जरूर देना। मेरी तेरे पास जहर खाने तक के तो पैसे नहीं थे, तुझे काहे की टेंशन है? ऐसी बात ना है। तो फिर मैंने की कैसी बात है? वो मेरी साड़ी की तह में 26 नोट 1-1 हजार के रखे, यही काला धंधा इन सब पे निकला होगा, मोदी जी ने निकलवा लिया, वही काला धंधा सर। 26 नोट 1-1 हजार के रखे, अब वकील साहब आपकी बात कर रहा हूँ, 26 नोट 1-1 हजार के रखे। मैंने की पहले तू ये बता, 7 तारीख को तेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, और 8 तारीख को मैं घर पे नहीं था। बात समझ में हो गई है? तो तालियां बजा करके सूचित करो, 8 तारीख को मैं घर पे नहीं था। पहले मिल गई अखिल मोदी के कोर्ट में, चल फैसला तो 26 नोट का वो करेंगे। तो सर अपन तो उस दिन महिलाएं सर बहुत गुस्सा थी, महिलाओं ने गुस्सा होकर के क्या सोचा था, मैं 4 पंक्तियां आपके मन की चुरा करके मैंने कही। अगर आपको लगे कि उसमें भी मैंने एक ठाका खोज लिया है, और अपने ब्रज की तो आप जानते हैं संस्कृति, वहां गाली भी गा करके दी जाती है, आनंद आनंद की वर्षा होती है। महिलाओं ने क्या सोचा उस दिन, 4 पंक्तियों को सर मैं आप तक पहुंचाता हूं। गुस्सा होकर एक लुगाई मुस्काई फिर बोली, गुस्सा होकर एक लुगाई
मुस्काई फिर बोली। सर ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, गुस्सा होना और मुस्कराना, जैसे पनीरी खा के फूफा ना कही जा सके, ये दोनों। लेकिन ये 9 तारीख को 9 नवंबर को ऐसा हुआ था 2016 में, महिलाएं खुश भी थी और गुस्सा भी थी। गुस्सा इस बात की कि पोल खुल गई, नोट पकड़े गए उनके, चोरी पकड़ी गई, और खुशी इस बात की थी बैंक में ही तो जमा होने। ये दोनों काम एक साथ हुए। तब मेरी पंक्तियां सर ठाके के लिए सुनना, गुस्सा होकर एक लुगाई मुस्काई फिर बोली, 50% आबादी की पोल नमो ने खोली, 50% आबादी की पोल नमो ने खोली, अब ठाके के लिए तैयार रहना। अगर इन्होंने यही सोचा हो तो आप भी तालियां बजा करके सूचित करना। गुस्सा होकर एक लुगाई मुस्काई फिर बोली, 50% आबादी की पोल नमो ने खोली, फिर दूध पिलाया निज बेटे को उठा के अपनी गोदी, भले देश का भला हो पर तेरा बुरा होएगा। एक बार ताली बजा दीजिएगा। ये सोचा इन्होंने। तो ठाके और मस्ती कहीं से भी खोली जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है।